बीमारू राज्य से बाहर निकलकर तेजी के साथ विकसित होने वाले राज्यों में जावेद 3000 मेगावाट से भी कम का उत्पादन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पे 18000 मेगावाट से अधिक बिजली के साथ मध्य प्रदेश सरप्लस बिजली वाला राज्य बन गया। 10 घंटे किसानी के लिए आराम से बिजली मिल रही थी, घरेलू बिजली 24 घंटे मिल रही थी, लेकिन अचानक जैसे ही कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी, अचानक बिजली का संकट शुरू हो गया। रातों रात उपकरण खराब मान लिए गए, कभी अधिकारी कर्मचारियों पर ठीकरा फोड़ा, कभी ये कहा कि उपकरण खराब है और इसीलिए बिजली नहीं मिल रही है। आखिरकार इन्हीं उपकरणों के सहारे मध्य प्रदेश सरप्लस बिजली वाला राज्य बना था, वो अचानक रातों रात उपकरण खराब कैसे हो गए? पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार तबादलों में ट्रांसफर में लगी रही, ट्रांसफर कमाई का साधन बने रहे जो आज भी हैं, लेकिन इतने में पेट नहीं भरा। अब ट्रांसफार्मर कमाई का साधन बने ये कोशिश कमलनाथ जी की सरकार की है। उपकरणों की खरीदी के नाम पर एक बड़े और नए घोटाले की तैयारी कांग्रेस की सरकार कर रही है। हमारा उनसे कहना है कि आप कमाई के लिए सरकार में नहीं आए, जनता के हितों की चिंता करने के लिए आए। जो वायदे मध्य प्रदेश की जनता से आपने किए थे उनको आप पूरा करो। मध्य प्रदेश की जनता यही चाहती है, भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है कि उन वायदों को पूरा किए बगैर हम आपको चैन की नींद सोने नहीं देंगे। और आज ये जो लालटेन यात्रा, चिमनी यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में निकाली, ये प्रतीक है इस बात का कि आप मध्य प्रदेश को फिर से लालटेन के युग में, अंधकार के युग में ले जाना चाहते हो। ये हम होने नहीं देंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये होने नहीं देंगे, और इसीलिए ढोल लेकर निकले हैं कि हम आपकी नींद हराम करेंगे ताकि जनता की सुख दुख की चिंता आप करें। कांग्रेस का ये कहना है कि भगवान दर्शन में साजिश के जयंत मलैया के खिलाफ अभी कैंप देना है। कांग्रेस कब तक ठीकरा फोड़ने के लिए लोगों का सर ढूंढती रहेगी? 5 महीने में अचानक कैसे बिजली का संकट खड़ा हो गया? इनको चिंता ही नहीं है, इनके मंत्री चैन की नींद सो रहे हैं, खुलेआम अधिकारियों को तबादलों की धमकी देते हैं, ट्रांसफर की धमकी देते हैं, और एक बार उनकी बात मान ले और उनकी बात मानने का मतलब क्या है ये सभी जानते हैं, तो ट्रांसफर हुआ वाला भी निरस्त हो जाता है और नहीं तो ट्रांसफर हो जाता है, और एक बार के बाद 3 बार ट्रांसफर हो जाता है। यदि इन्होंने सारी चिंता जनता के हितों की होती, जो वायदे किए था पूरा करने की मंशा होती, किसान खून के आंसू रो रहा, पहले कर्जा माफ नहीं किया, अब बिजली नहीं मिल रही, वो सिंचाई नहीं कर पा रहा, घरों में बच्चे चैन की नींद नहीं सो पा रहे, बीमार बड़े बुजुर्ग उनकी तबीयत खराब हो रही, उनकी जान पर बन रही है, और ये सरकार चैन की नींद सो रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक ठीक है।